बारकोडिंग की मदद से माल का व्यवस्थापन। अन्य व्यवसायों की तरह कपड़ों की दुकान में भी माल का व्यवस्थापन, ठीक खरीदारी से लेके बारकोडिंग, माल का स्थानांतरण, बिक्री, खरीदा हुआ माल सप्लायर को लौटाना और आवश्यकता के अनुसार माल मंगाने तक संभालना पड़ता है। और ये प्रक्रिया नए सिरे से खरीदारी से शुरू ही रहती है। एक्मे इनसाइट में माल की खरीदारी की जानकारी परचेज डॉक्यूमेंट में दर्ज की जाती है। परचेज डॉक्यूमेंट में बिल नंबर, खरीदारी की तारीख, सप्लायर और खरीदे हुए वस्तुओं का ब्यौरा जैसे संख्या, खरीदारी की कीमत तथा वस्तुओं के गुण विशेष जैसे आकार, रंग, ब्रांड आदि जानकारी भरी जाती है। अलग अलग कपड़ों के वर्गीकरण हेतु आवश्यक ऐसे गुण विशेष जैसे डिजाइनर का नाम आदि आप खुद अपने आप ही निश्चित कर सकते हैं। परचेज डॉक्यूमेंट भरते समय इन गुण विशेषों की जानकारी दर्ज की जा सकती है। इन गुण विशेषों पर आधारित बहुत से अहवाल भी एक्मे इनसाइट में उपलब्ध है। अगर माल आने के समय बिल ना मिला हो तो भी आप डिलीवरी चालान के जरिए माल सिस्टम में ले सकते हैं। दुकान मालिक खरीदे हुए माल की जांच कर सकता है। एक्मे इनसाइट में आप चुनिंदा वस्तुओं के बिक्री के भावों के लिए सूत्र तैयार कर सकते हैं। इन सूत्र के अनुसार अपने आप निश्चित किए गए बिक्री के भाव दुकान मालिक बदल सकता है। बिक्री के भाव के अनुसार मुनाफे का प्रतिशत संदर्भ के लिए दिखाया जाता है। जरूरत हो तो दुकान मालिक गुण विशेषों को भी बदल सकता है। एक्मे इनसाइट में साइज पर आधारित बिक्री का भाव निश्चित करने की खास सुविधा दी गई है, जिसमें मध्यम साइज के कपड़ों का भाव दर्ज करने के बाद अन्य साइजों का भाव अपने आप निश्चित होता है। ब्रांडेड वस्तुओं के बारे में सप्लायर से आए हुए वस्तुओं के बारकोड सीधे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। किसी एक विशिष्ट प्रकार के माल के लिए अगर आप बारकोडिंग ना चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हैं, और बारकोड ना होते हुए भी एक्मे इनसाइट उसका स्टॉक अच्छे तरीके से रखता है। खरीदारी की क्रॉस चेकिंग होने पर अगर गोदाम उपलब्ध हो तो माल को वहां भेजा जा सकता है और जरूरत के हिसाब से बारकोडिंग करके उतना ही माल दुकान में लाया जा सकता है। एक्मे इनसाइट की बारकोडिंग की गतिमान पद्धति आश्वासित करती है कि बारकोडिंग का काम कम समय में पूरा किया जाएगा। परचेज डॉक्यूमेंट की पूरी जांच के बाद वो बारकोडिंग के लिए है वैसे ही इस्तेमाल होता है। विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग जानकारी वाले बारकोड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहां से आगे जो वो बारकोड उस विशिष्ट प्रकार के माल की या माल के समूह की पहचान बनता है, जिससे माल को संभालने का काम आसान और बिना झंझट के हो जाता है। विभिन्न गोदामों या जगहों के अंतर्गत माल के स्थानांतरण का काम एक्मे इनसाइट के स्टॉक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट के जरिए किया जाता है। बारकोड स्टेटस रिपोर्ट माल अभी इस वक्त किस जगह है और इसी के साथ माल के पिछले स्थानांतरण का इतिवृत्त ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। बिक्री का बिल बनाते समय बारकोडिंग की वजह से पूरी जानकारी, खास तौर पर बिक्री का भाव, अचूक लिया जाता है। डेड स्टॉक पहचानने के लिए और चोरी जैसे दुर्व्यवहार ढूंढने के लिए केवल स्टॉक अकाउंटिंग और मैनेजमेंट यही अच्छे उपाय है। एक्मे इनसाइट में शर्ट्स, पैंट्स, साड़ियां, सलवार कुर्ती आदि जैसे अलग अलग कपड़ों के वर्गीकरण के अनुसार उसका स्टॉक अकाउंटिंग सर्वथा रखा जाता है। माल के प्रकार के अनुसार माल का स्टॉक विभिन्न यूनिट्स में मेंटेन होता है। बारकोड के हिसाब से स्टॉक चेकिंग की अनूठी पद्धत, जो बारकोड्स कंप्यूटर स्टॉक में दिखते हैं पर असल में उपलब्ध नहीं है, वो तत्काल ढूंढ निकालती है। एक्मे इनसाइट में माल के अनुसार पेंडिंग स्टॉक का विश्लेषण डेड स्टॉक का सुस्पष्ट चित्र देता है। महीने की बिक्री का विश्लेषण अहवाल माल के अनुसार बिक्री और पूरी बिक्री में उसका प्रतिशत दर्शाता है।
जलद और उसके साथ देर से बेचा जाने वाला माल भी खास अहवाल के जरिए ढूंढा जाता है। एक्मे इनसाइट में उपलब्ध परचेज रिटर्न डॉक्यूमेंट के जरिए खरीदा हुआ माल सप्लायर को लौटाया जा सकता है। इससे संबंधित खातों का परचेज अकाउंटिंग बराबर रखने में मदद मिलती है और वैट रिटर्न परचेज रिटर्न की रकम दर्शाता है। इसी तरह एक्मे इनसाइट की मदद से जिस माल की खरीदारी की आवश्यकता है उसकी जानकारी आसानी से मिल जाती है। इसके लिए बिक्री का प्रतिमान और रीऑर्डर लेवल पर आधारित परचेज ऑर्डर तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार एक्मे इनसाइट माल का सही स्टॉक उपलब्ध है ये आश्वासित करता है। बिक्री के अचूक भाव के साथ बिल जल्द से तैयार करता है, डेड स्टॉक कम करता है और अगर चोरी जैसा कोई गैर व्यवहार हो तो वो भी ढूंढ निकालने में मदद करता है।